Hello friends, most welcome to my YouTube channel. Today we want to talk about sonar system. आज हम जानेंगे सोनार सिस्टम कैसे काम करता है. सोनार सिस्टम जैसे नाम से ही पता चलता है, इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम. यहाँ पे साउंड अपन यहाँ पे पता करने के लिए कि क्या पोजिशन है नेविगेशन में साउंड के यूज़ करते हैं. अब ह्यूमन साउंड का तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि यह ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर दूर तक जाएगी, उसके बाद तो ख़त्म हो जाती है आवाज़ भाई. तो क्या करें, इसका उपाय है अल्ट्रासाउंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर. ठीक है, ये काफ़ी दूरी तक जाता है और एकदम एग्जैक्ट जाता है भाई. तो हम क्या कहें, अब इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज़ रहती है कि ह्यूमन सुन नहीं सकता इसको. अब इसी का यूज़ करके अपने रात में जैसे बैट्स चमगादड़ चलते हैं आगे, चलो ठीक है चल दो, ये चलते हैं सेम. ये कैसे काम करता है, ये काम करता है अपने इकोसिस्टम पे. इको मतलब आवाज़ जो गूंजता है ना. ठीक है, जब किसी गुफा उफा में जाते हैं ऊपर जोर से चिल्लाते हैं तो आवाज़ गूंजने लगता है, बस वैसा ही है सेम. इसमें भी आपकी जो अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं वो जाती है जो भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे आइसबर्ग हो, फिश हो या दूसरा जहाज हो, टकराती है वापस आती है. उसको अपन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और डिस्प्ले में शो कर देते हैं. और इसका डिस्टेंस मापने का एक फॉर्मूला होता है जो ये है. ठीक है, इसमें अपन स्पीड समुद्री जल में साउंड की स्पीड होती है अपनी सी वाटर में 1531 मीटर पर सेकेंड, उसको रख देते हैं, आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. और अपन इससे पोजीशन भी ज्ञात कर सकते हैं, ये ऐसे इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चल जाता है. ठीक, अब बात करते हैं इसकी यूसेज की, क्या क्या यूज़ करते हैं इसका. इसका पहला यूज़ करते हैं अपन दुश्मनों का पता लगाने में. इंडियन नेवी हमेशा तटों पर यही काम करती है कि दुश्मन कहाँ पर है. ठीक है, वो जो बाउंड्री लाइन है ना, जो बॉर्डर है, उसे क्रॉस करने नहीं देती. कैसे पता चलता है कि कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, साफ साफ है, सोनार सिस्टम से डिस्प्ले में देख लेते हैं, अरे भाई देखो क्रॉस कर रहा है. ठीक है, अब दूसरा यूज़ होता है इसका बड़े बड़े आइसबर्ग का पता करने में, कहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग हैं जिससे टकराए ना जहाज बड़े बड़े. ठीक है, तीसरा फिशिंग, अरे मछुआरे लोग का तो सबसे बढ़िया काम है फिशिंग, वो भी कभी कभी यूज़ करते हैं बड़े बड़े, अब छोटे मोटे मछुआरे नहीं, बड़े बड़े मछुआरे जो जहाज में जाते हैं वो पता कर लेते हैं. और जैसे कोई जहाज डूब गया है कहाँ पे है वो पता करना है, ट्रेजर हंट कर लिए, वो सब यूज़ किया जाता है. और बात करते हैं हम इसके एक और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका, वैलीज से बचने के लिए, यानी समुद्र के अंदर जो पहाड़ होती हैं वैलीज होती हैं, उसे सबमरीन्स जहाज़ों को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये थी इसकी जानकारी दोस्तों. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.